हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों ने धमाकेदार ट्रिक लेके आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसे सम एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। दोस्तों बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यहां पर दिया है आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक नंबर आना। तो यहां पर शुरुआत हुआ है, वन से शुरुआत हुआ है, फिर टू थ्री फोर एट डॉट डॉट नंबर है, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर 20 में एंड हुआ है। तो इन सब नंबर को प्लस करोगे तो आंसर क्या होगा ये तो बता पाओगे, लेकिन शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताने आया हूं। यहां पर दोस्तों 20 में एंड हुआ है तो आप यहां पर 20 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इसके बाद का नंबर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। तो 21 लिख लिया मैंने, डिवाइड बाय 2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल दोस्तों, यहां पर कैंसिल करने जा रहा हूं मैं, 2 10 जा 20 हो गया। और दोस्तों 21 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा दोस्तों, 210 होगा, और ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। मतलब ये है दोस्तों कि ये सब नंबर को प्लस करोगे तो आपका आंसर दोस्तों 210 आएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर दोस्तों नंबर कंजुगेट नंबर में स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे। सिंपल फार्मूला है दोस्तों, यहां पर 20 में एंड हुआ है तो आपको यहां पर 20 लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद का नंबर क्या है, 21 है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा कुछ करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इन दो नंबर को प्लस करके आपको यहां पर लिखना है, और दोस्तों यहां पर डिवाइड बाय 6 करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहां पर 2 3 जा 6 और यहां पर 2 10 जा 20 हो गया है। फिर दोस्तों यहां पर 3 7 जा 21 हो गया है, 7 को 41 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर 7 1 जा 7 है, 7 4 जा 28, और ये 10 का 0 यहां पर लगा दिया मैंने और ये मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर यहां पर क्यूब दिया हो तो क्या करोगे दोस्तों, उसके लिए भी सिंपल ट्रिक है। आपको ध्यान रखना है कहां पर एंड हो रहा है, तो आप यहां पर 20 लिखोगे और उसके बाद का नंबर क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 21, डिवाइड बाय 2 करोगे, और दोस्तों यहां पर क्यूब दिया है लेकिन दोस्तों यहां पर आप स्क्वायर करोगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 10 या 20 हो गया, यहां पर 21 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 210 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों मैंने स्क्वायर का ट्रिक आपको सिखाया हुआ है, आप क्या करोगे, 21 21 से कितना होगा, 4 4 1 होगा, और ये 0 है तो यहां पर स्क्वायर दिया है तो 2 0 आ जाएगा, और आपका आंसर देखिए इस तरह से इजी वे में आ गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो आपको सिखाया मैंने आपको समझ में आ गया होगा, और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे हर एक लोग इस चीज को सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।